हेलो एवरीवन, इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये कार्टून के अंदर क्या है। आपको कार्टून तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा, लेकिन हम देखते हैं, चलते फाड़ते हैं इसको और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या है। फाड़ रहे हैं हम, देखिए, ये अमेजन द्वारा डिलीवर किया गया, अमेजन द्वारा, इसी में देख सकते हैं आप, ये अमेजन द्वारा डिलीवर किया गया है। और इसको हटाते हैं हम, आपको देख, इतना बड़ा डब्बा से तो लग रहा होगा आपको बहुत बड़ा सामान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप कितना छोटा छोटा सामान, छोटा सामान है इसमें, देख, वाओ वाओ, वन प्लस, क्या है ये, वन प्लस जेड टू ब्लूटूथ वायरलेस। दोस्तों मैं बता दूं, इतना मात्र इसके लिए इतना बड़ा डिब्बा, इतना बड़ा डिब्बा, वाओ, ऐसा नहीं है। देखिए आप, ये दोनों साथ में ही ऑर्डर किया गया था, ये दोनों देख सकते हैं, इसलिए शायद अमेजन ने इतना बड़ा डिब्बा पैक करके दिया है। ये देख रहे हैं आप, वन प्लस टेन प्रो हस्ब्लेट कैमरा। चलिए दोस्तों, अब इसको हम खोलते हैं, इसको आपको खोल के दिखाते हैं हम, यहाँ रखते हैं क्या क्या दिया है वन प्लस। ये इसमें तो ब्लूटूथ था, इसका तो बाद, इसको ठीक है, चलिए खोल रहे हैं इसको हम। चलिए दोस्तों, अब खोलते हैं हम इसको, वन प्लस टेन प्रो का, जो देखिए आप इसके साथ साथ क्या दिया है। ये हो गया बक्सा, और इसमें ये आप देख सकते हैं, ये एक ठो दिया है, वाओ। इसके बाद इसमें आप, हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये एक ठो कवर भी दिया है वन प्लस टेन प्रो का, प्लास्टिक वाला, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है वन प्लस नेवर सेटल, आप देख सकते हैं, एक ठो ये कवर दिया है ये वाला, इसमें साथ में। और देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या दिया है। देखिए, वो एक ठो दिया है सिम खोलने वाला, ये एक ठो सिम खोलने वाला, सिम लॉक, और ये क्या है, ये इसके बारे में बताया है, क्विक स्टार्ट गाइड, स्टार्ट गाइड है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है। ओ वाओ, ये इस वन प्लस का स्टिकर, देखिए हाइपर बूस्ट वन प्लस का स्टिकर, देख सकते हैं आप, वाओ। और ये देखिए, रेड केबल क्लब, ये स्कैन टू क्लेम योर वेलकम बेनिफिट, ये बेनिफिट का है कुछ, और सर्विस वारंटी का बढ़ाने का, देख सकते हैं आप। अब चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको क्या, जिसका आपको इंतज़ार है, वन प्लस टेन प्रो, वन प्लस टेन प्रो, वाओ वाओ। अब इसको हम निकालते हैं, चलिए इसको दिखाएंगे, उससे पहले हम और क्या है इसमें देख लेते हैं। वो ये चार्जर हो गया, देख सकते, 80 वाट सुपर भॉक चार्जर, 80 वाट सुपर भॉक चार्जर, देख रहे हैं आप, जो 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज कर देती है। और इसके साथ रेड केबल, देख रहे हैं आप, रेड केबल ये दिया है। अब हम चलते हैं लास्ट मोबाइल की ओर, वाओ मोबाइल, वाओ वाओ, स्लिम, बहुत ही सुंदर, प्यारा सा, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर, और देखने में काफ़ी सुंदर, देख सकते हैं आप इसको, ये बहुत ही सुंदर आप इसका देख सकते हैं। प्रोसेसिंग भी देखिए आप, बहुत ही स्पीड कैमरा, कैमरा आप देख सकते हैं कैमरा, चलिए हम इसको कैमरा थोड़ा सा शॉर्ट में चेक करते हैं, बस ज़्यादा कुछ, वाओ फोटो, वाओ कैमरा का तो क्वालिटी बहुत सुंदर और प्यारा है दोस्तों। अच्छा चलिए, कैमरा के बाद में हम अपडेट करेंगे, डालेंगे। मोबाइल बहुत ही सुंदर और प्यारा सा देखने में लग रहा है इसका, देख सकते हैं आप,
कर्व डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले। चलिए दोस्तों अब हम इसका फ्यूचर के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा। इसका फ्यूचर क्या है आप देख सकते हैं, इसका फ्यूचर वन प्लस का 12, वन प्लस टेन प्रो फॉरेस्ट 12 GB 256 रैम का, अभी 66,000 है 12 256। वन प्लस टेन प्रो फॉर ऑल कैटेगरी, ऑक्सीजन ओएस है, 5G 4G LTE अबाउट दिस, 4 48 मेगापिक्सल मैन कैमरा विथ सोनी IMS 789 लेंस के साथ, OIS इनेबल्ड है, 50 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 8 MP टेलीफोटो लेंस फॉर्मेट सेल्फी कैमरा, 32 MP फ्लैश लाइट डबल है, कैमरा फ्यूचर है हैश ब्लेड कैमरा फॉर मोबाइल नाइट स्केप अल्ट्रा HDR स्मार्ट स्केप। आप देख सकते हैं मोबाइल में ये कैमरा का जो दिया है। अब हम चलते हैं आपको दिखाते हैं कैमरा में। चलिए यहाँ देखिए क्या क्या दिया, नाइट मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, मोर में चलेंगे तो देख सकते हैं आप इसमें प्रो, पानो, मूवी, सोलो मोशन, टाइम लैप्स, लो एक्सप्लोर, डबल व्यू वीडियो, डबल व्यू चल देखते हैं क्या है, डबल व्यू देख सकते हैं आप, डबल व्यू है आगे पीछे दोनों कैमरा एक बार में दोनों डिस्प्ले पे, और डबल व्यू एक्सपान है, ये सब है। फ्यूचर बहुत ही सुंदर है और प्यारा सा स्मार्टफोन है, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो ले सकते हैं, बशर्ते मैं इसको यूज करने के बाद आपको फिर अपडेट करूँगा इसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रॉब्लम है इसका, क्योंकि कुछ दिन चलाने के बाद ही इसके बारे में पता चल पाएगा। धन्यवाद।